ट्यूरिंग मशीन में आज हम लोग देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन WWR प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, इस स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करता है। WWR से मतलब है कि जो स्ट्रिंग यहाँ पर लिखी है उसी के रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर दूसरी स्ट्रिंग लिखी हुई है, और ये W आपका 0 और 1 से मिलकर बनी हो सकती है या A और B से मिलकर बनी हो सकती है। तो अगर हम लोग बाइनरी नंबर की बात करें तो 0 और 1 से मिलकर स्ट्रिंग बनी हुई है W, तो हमें उसको बताना है क्या वो WWR को फॉलो कर रही है कि नहीं। जैसे 0110 लिखा हुआ है तो जो स्ट्रिंग है उसी को रिवर्स ऑर्डर में हम उसके बाद लिखते हैं 0 और 0 के बाद 110। यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि एक ही जैसी स्ट्रिंग लिख दी है, अब इसको मैं चेंज करता हूँ 1011, ये स्ट्रिंग लिखी हुई है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर यानी कि ये वाला 1 फिर ये फिर 0 फिर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1101। अब हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिंग सही है या नहीं, यानी कि इस फॉर्म में अगर स्ट्रिंग लिखी है तो उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो हमें इसको देखते हैं कैसे बनाना है इसको। चलिए, तो यहाँ पर एक इनपुट टैप है जिसमें ये स्ट्रिंग रहेगी, तो इसी स्ट्रिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं 1011। यहाँ पर 1 इसको इसके रिवर्स में लिखना है 1101। अब देखिए यहाँ पे बीच में कोई डिवाइडर नहीं है कि हमें पता चले कि स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे एक 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक 1 तो सेम हो जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए एक 0 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक 0 ऐड कर देते हैं। अब हमें ये समझ में, अब इस तरह से स्ट्रिंग लिखी हुई है और यहाँ पे मान लीजिए देखिए ये स्ट्रिंग को मैंने जनरली ऐसे लिख दिया, ऐसे इस तरीके से, तो ये स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग इस फॉरवर्ड में देखें और इसमें मैं देखें तो ये दोनों सेम है, अगर इसको ओरिजिनल स्ट्रिंग और इसको रिवर्स करके देखें। अब हमें ये ट्यूरिंग मशीन से चेक करना कि ये दो स्ट्रिंग दी हुई है ये एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में है कि नहीं। अब हमें ये भी नहीं पता कि लेंथ कितनी है इसकी, जैसे इस तरह से लिखी है तो इसमें ये नहीं पता कि मेन स्ट्रिंग हम एक स्ट्रिंग किसको लें, तो जनरली हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे और पता हमें चल जाएगा। तो हमें इसको कैसे पता करना, चेक करना कि स्ट्रिंग है कि नहीं, तो पहले तो हम इसको अपने जनरल आइडिया से समझते हैं कि कैसे थ्योरेटिकली हम सोच के ये बताएंगे कि स्ट्रिंग सेम है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं, एक तो हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड किया, जैसे कि मान लीजिए इसको 20 से डिवाइड किया और हमें पता चला ये स्ट्रिंग है, इसको हम रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स करके रख देंगे 0101011। तो ये अब क्या होगा, अब ये पावर n W वाली प्रॉब्लम हो गई, तो हमें इसको मैच करा देंगे क्या स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 20 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद इसको रिवर्स करना पड़ेगा। एक और तरीका क्या है कि हम एक एक सिंबल को मैच करा दें, लास्ट वाले सिंबल को लास्ट वाले से, उसके बाद वाले सिंबल को उसके बाद वाले से, फिर उसके बाद वाले सिंबल को उसके बाद वाले से, इस तरीके से इसको इससे और इसको इससे यहाँ पे मैच करा दें, तब भी तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्ट्रिंग इस तरीके से WWR के फॉर्म में है। तो हम यही दूसरा वाला यहाँ लॉजिक ट्यूरिंग मशीन में लगाते हैं, यहाँ से रीड करना शुरू करेगी, ये इसको सिंबल को रिप्लेस करेगी किसी अगले सिंबल से, मान लीजिए एक्स से रिप्लेस किया और ये जीरो था तो जीरो को ही जीरो के पास पे बढ़ेगी, तो ये इस जीरो को एक्स में रिप्लेस करेगी, फिर वापस आएगी, अगली बार उसको मिलेगा 1 तो 1 को रिप्लेस करेगी। अब चाहे सिंबल आप एक्स यूज कर सकते हैं या दूसरा सिंबल वाई यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि हमें सिर्फ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है तो दोनों में ही एक्स का यूज करूंगा, हमें एक्स और वाई यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप कुछ भी यूज करें, आप चाहें तो दो सिंबल अलग अलग यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक लूप एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा हर स्टेट में, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही सिंबल यूज करने वाला हूँ। तो देखिए इसको हम लोग ट्यूरिंग मशीन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियली क्यू नॉट पे हैं। अब देखिए अगर हमारे पास 0 आता तो हम इस डायरेक्शन में, पहला सिंबल जरूरी थोड़ी है कि 0 आए, हो सकता है 1 से स्टार्ट हो, जैसे 1011 इस तरह से स्टार्ट है तो 1 से भी स्टार्ट हो सकता है 0 से, तो एक 0 के लिए पास जाएगा, 0 के लिए पास जाएगा और एक 1 के लिए पास जाएगा, 0 को बनाएंगे x और राइट में आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसको x बनाया, इसको रिप्लेस किया x से, अब 1 के लिए नीचे जाएगा, तो जब 1 आएगा अगले सिंबल में तो हम उसके लिए पास अलग से बना के दिखा देंगे। आपको इतना बस समझना है कि अब जैसे 0 के लिए बना रहे हैं सेम वैसे ही 1 के लिए वही सेम प्रोसीजर होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से भी स्टार्ट हो सकता है और 1 से भी। देखिए जब हमारे पास 0 आया तो उसको हमने क्या किया, x से रिप्लेस किया, इस 0 को एक्स से रिप्लेस किया और आगे बढ़ेंगे, कब तक आगे बढ़ेंगे,
तो हम यहाँ पे आ जाएंगे क्यू वन पे। अब देखिए हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, सिर्फ इसको रीड करना है, राइट करना है एज इट इज और आगे बढ़ना है। तो जब हमें कोई वर्क नहीं करना है तो हम इसको इसी लूप में बढ़ा देंगे। तो वन मिलता है तो वन को वन छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे राइट में, अगर जीरो मिलता है तो जीरो को जीरो छोड़ेंगे और राइट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चाहे जीरो मिले भी रास्ते में या वन मिले, हमें उसको रीड करते हुए आगे बढ़ना है। कब तक आगे बढ़ना है? जब तक कि हम लास्ट में नहीं पहुंच जाते, यानी कि हमें डेल्टा नहीं मिल जाता। तो जैसे ही हमें डेल्टा मिलता है, यहाँ पे आप डेल्टा को, ये ब्लैंक सिंबल है तो आप इसको बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे ही डेल्टा मिलता है, डेल्टा को डेल्टा रीड करेंगे और लेफ्ट में मुड़ जाएंगे। कहाँ मुड़ेंगे? लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसके अगला सिंबल जीरो होगा, क्योंकि हम जीरो को जीरो से मिला रहे हैं तो जीरो होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगी और वहीं पे स्ट्रिंग जो हमारी मशीन है वो फेल हो जाएगी। वो मशीन के फेल होने का मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग डब्ल्यू डब्ल्यू आर के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ पहुँचे हम? क्यू वन पे। अब क्यू वन से वापस आएगा लेफ्ट में, तो इसको क्या मिला? जीरो। अब इसको जैसे ही जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा? जीरो। तो जीरो को बनाएगा एक्स और लेफ्ट में मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा। अब लेफ्ट में मूव करेगा तो कहां जाएगा? लेफ्ट में मूव करेगा तो यहां पे आ गया, मान लीजिए क्यू टू पे, क्यू टू पे आ जाएगा। अब क्यू टू से, क्यू टू से अब इसको जो भी सिंबल मिलेगा उसको, उससे भी कोई मतलब नहीं, उसको लास्ट में यहीं तक आना है जहां तक उसको एक्स ना मिल जाए। क्यों? क्योंकि अब उसने एक सिंबल को एक सिंबल से इसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया है, अब उसको वापस आना है। तो जितने भी सिंबल मिले, चाहे उसको सिमिलरली जैसे यहाँ पे इसने रीड करते हुए छोड़ के गया था, वन मिलता है तो वन को वन छोड़ के लेफ्ट में जाएगा क्योंकि अब लेफ्ट में आना है, जीरो मिलता है तो जीरो को जीरो ही छोड़ेगा और लेफ्ट में आएगा। कब तक? जब तक इसको एक्स नहीं मिल जाता। जैसे इसको एक्स मिलेगा तो ये समझ जाएगा कि हमने एक सिंबल को कंप्लीट कर दिया, फिर इसको वापस से सेम प्रोसीजर को अगले सिंबल के लिए फॉलो करना है। तो जब वापस से अगले सिंबल के लिए फॉलो करना है, यानी हमें यहीं पे वापस आना है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस फिगर को नीचे बना दे रहा हूँ ताकि हम इसको सीर में लिख सकें। तो इसको यहाँ पे मैं क्यू टू को यहाँ लिख ले रहा हूँ, सेम ट्रांजेक्शन। ये क्यों लिख रहा हूँ? ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा सा, क्योंकि हमें बन के लिए नीचे बनाना है, तो अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर लेके जाएंगे तो डायग्राम की सिमेट्री खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, आप यहाँ से भी एरो बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम जितना देखने में सुंदर लगे उतना अच्छा है। तो जीरो को हम एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, यही सेम लूप यहाँ पे लगा दिया। जीरो आए तो जीरो को जीरो छोड़ना है और आगे बढ़ना है, वन आए तो वन को वन छोड़ना है और आगे बढ़ना है लेफ्ट में। तो यहाँ पे चाहे इस लाइन को ऊपर लिखें चाहे उस ऊपर वाली लाइन को नीचे लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको आप अरेंज कर दीजिए। अब हमारा ये फिगर है। अब जैसे ये इसको x मिलता है, ये कब तक आएगा? इसको जीरो वन मिला तो इसको लीव करेगा, जीरो मिला तो इसको छोड़ते हुए आएगा, और जैसे इसको क्या मिलता है? x, इसको मिलता है x, तो ये समझ जाएगा कि हम फिर से शुरुआत में आ गए और हमें राइट में आगे बढ़ना है। तो x को x छोड़ेगा और राइट में मुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या करेगा? राइट में मूव करेगा। तो अब ये इसको वन मिला, तो जैस जो प्रोसीजर जीरो के लिए था वही सेम प्रोसीजर वन के लिए भी होगा। इसको वन मिलता है तो वन को एक्स से रिप्लेस करेगा और राइट में आगे बढ़ेगा। तो कहाँ पहुँचेगा? हम कहाँ तक जा चुके हैं? क्यू टू, तो क्यू थ्री का, क्यू थ्री। अब ये नंबरिंग आप कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, हमें सिर्फ स्टेट का नाम देना है, तो ये नाम अलग होना चाहिए। अब देखिए क्यू थ्री पे पहुँचेगा फिर से वही, चाहे इसको एक्स बनाया और क्यू थ्री पे पहुंचा, अब चाहे इसके रास्ते में जीरो आए या बन आए, इसको कब तक आगे बढ़ना है? जब तक इसको एक्स नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे आपको लूप लगाना है, तो लूप यहाँ पे जीरो मिलता है तो जीरो को जीरो छोड़ना है और राइट में आगे बढ़ना है, वन मिलता है तो वन को वन छोड़ना है और राइट में आगे बढ़ना है। कब तक? जब तक इसको एक्स नहीं मिल जाता। हम यहाँ ध्यान दीजिए, डेल्टा या तो डेल्टा मिलेगा या एक्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा को हमें ध्यान देना होता तो डेल्टा के पहले हम लोगों ने जो चेंज किया है वो एक्स भी तो आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ डेल्टा के लिए लिखा है, ये भी तो हो सकता है पहले बन आया हो तो यहाँ एक्स बन चुका हो, उसके बाद हम जब ढूंढ रहे हो तो हम एक्स को क्रॉस करके डेल्टा तक पहुँच जाए और हमें एक्स से ही लौटना था। तो यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन लिखनी है, ये समझ में आ रहा है ना? एक्स को एक्स छोड़ के लेफ्ट में जाना है। यहाँ पे या तो हमें डेल्टा मिलेगा या एक्स मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। यहाँ पे
अगर x हम लोग एक बार ऑपरेशन कर चुके होंगे तो यहाँ पे x बन चुका होगा, अदरवाइज डेल्टा तो होगा ही, तो चाहे डेल्टा मिले चाहे x मिले, जहाँ से हमें लौटना था तो यहाँ भी दोनों लिखने हैं, यहाँ भी दोनों लिखने हैं, क्योंकि हो सकता है 1 से स्टार्ट हो तो पहले x मिले ही ना, पहले डेल्टा मिले, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी जो स्ट्रिंग है 1 से स्टार्ट हो रही है या 0 से, तो इसीलिए जो स्ट्रिंग यहाँ तक जाएगी वो इन दोनों में से कोई एक सिंबल को चेक करेगी, अगर डेल्टा मिलता है तो डेल्टा को डेल्टा रीड करेगी और यहीं से डायरेक्शन चेंज करेगी, लेफ्ट में जाएगी। यहाँ पे अगर एक्स मिलता है तो एक्स को एक्स रीड करेगी और लेफ्ट में जाएगी, और यहाँ पे कहाँ आ जाएगी, क्यू फोर पे। क्यू फोर पे आने के बाद, क्यू फोर पे आने के बाद क्या होगा, इसने क्यू फोर पे आने के बाद लेफ्ट में मूव, लेफ्ट में मूव किया तो लेफ्ट में इसको जो सिंबल मिलेगा अगला सिंबल वो क्या होगा, देखिए चूंकि यहाँ पे वन मिला था तो जाहिर सी बात है यहाँ भी वन ही मिलेगा, अगर जीरो मिलता है तो यहीं पे आपके एक्स रिजेक्ट हो जाएगी स्ट्रिंग, वन मिलता है तो इस वन को क्या करेगा, वन को बदलेगा एक्स में और लेफ्ट में मूव करेगा, वन को बदलेगा एक्स में और लेफ्ट में मूव करेगा, लेफ्ट में कब तक मूव करेगा, अगर जीरो मिलता है तो जीरो को छोड़ते हुए जाएगा, वन मिलता है तो वन को छोड़ते हुए जाएगा, यानी कि यहाँ आया फिर 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 यहाँ आया, और जैसे इसको एक्स मिला, जैसे ही इसको x मिला ये यहाँ पर पहुंच गया, इसको समझ में आ गया x मिला है तो हमें फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद फिर अगली बार जीरो मिला तो ये वाली लाइन फॉलो करेगा, फिर वन मिला अगली बार में इस जीरो को x बनाएगा और इस लूप को फॉलो करते हुए इसको x बनाएगा, फिर अगली बार में इसको x बनाएगा और इसको फॉलो करते हुए इसको x बनाएगा, अगली बार में इसको x बनाएगा और इसको फॉलो करते हुए इसको x बनाएगा। अब देखिए जब x बना के आखिरी बार में इसको x बनाने के बाद जब इसको x फिर से मिला होगा तो ये लौट के फिर यहीं आया होगा, और जब इसको ना तो अब ना तो इसको जीरो मिलेगा ना वन मिलेगा, तो अब ना तो इसको जीरो मिल रहा है ना वन मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में इसको क्या मिलेगा, x मिलेगा, क्योंकि अब जीरो वन की जगह क्या लिख चुके हैं, x, तो x मिलेगा तो x को x छोड़ते हुए ये क्या करेगा, राइट में आगे बढ़ेगा, राइट या लेफ्ट कहीं भी हो, अब हमें फाइनल स्टेट पर जाना है तो ये यहाँ पे फाइनल स्टेट क्यू एफ, या फिर हम डायरेक्टली इसको एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये फाइनल स्टेट पे चला जाएगा और हमारा जो ट्यूरिंग मशीन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब मैंने अभी तक आपको टेबल को फिल करना नहीं बताया, तो इस बार मैं आपको टेबल फिल करके बता रहा हूँ कि टेबल फिल आपको किस तरीके से करनी है। यहाँ पर आपको स्टेट रहेगी क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री एंड आई थिंक क्यू फोर, क्यू फोर एंड क्यू एफ। अब आपको सिंबल लिखने हैं, तो आपके पास सिंबल कौन कौन से हैं, आपके पास यहाँ पे या तो जीरो आएगा या वन आएगा, देखिए या तो जीरो आएगा या वन आएगा या एक्स आएगा या फिर डेल्टा आएगा, इसके अलावा और कोई सिंबल आने की उम्मीद नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को बनाएंगे। अब देखिए Q नॉट पे देखेंगे, अगर जीरो आता है तो क्या करना है, Q नॉट पे अगर जीरो आता है तो मैं Q1 पे जाना है, कहाँ जाना है Q1 पे, और जीरो की जगह क्या लिख देना है X, और कहाँ किस तरह मूव करना है राइट, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे फिलअप करेंगे। आप एक कॉलम थोड़े बड़े बनाइएगा ताकि आप इस ट्रांजेक्शन को अच्छे से लिख पाएं, तो Q1 है यहाँ पे, Q1 कॉमा एक्स कॉमा आर। अब देखिए Q नॉट से वन वन मिलता है तो क्या करेंगे हम, वन मिलता है तब भी हम Q3 पे जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे Q3 कॉमा इसको X बनाएंगे और राइट में मूव करेंगे, तो इस तरीके से इसको लिखना है। उसके बाद X अगर मिलता है तो X पे क्या करेंगे, देखिए X करेंगे तो कहाँ जाएंगे फाइनल स्टेट पे जाएंगे जब X मिलेगा, और यहाँ पे X को X बनाएंगे और राइट में मूव करेंगे, और डेल्टा के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद Q1 पे आते हैं, Q1 से देखिए जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है तो क्या करेंगे Q1 को Q1 ही रहने देंगे, जीरो को जीरो ही रहने देंगे और राइट में मूव करेंगे, Q1 मिल रहा है तो Q1 का Q1 ही रहने देंगे, वन का वन छोड़ेंगे और राइट में मूव करेंगे। अब Q1 से अगर हमें X मिलता है तो क्या करेंगे Q, सॉरी ये Q2 था, यहाँ पे स्टेट लिखने में गलती हो गई है, तो इसको हम Q5 कह सकते हैं, Q5 कह सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि हम लोग स्टेट लिख रहे हैं तो कोई भी स्टेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आप चाहे तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस तरह से कर सकते हैं, या मैंने इसको इस तरह से कर दिया क्योंकि हमें स्टेट नंबर लिखना है। अब देखिए हम कहाँ हैं, Q1 से अगर इसको क्या मिलता है X मिलता है तो कहाँ जाएगा X को,
एक्स छोड़ेगा कहाँ जाएगा, क्यू टू पे, तो एक्स छोड़ेगा इसको और राइट में नहीं लेफ्ट में मूव करेगा, और डेल्टा मिलता है तब भी सेम करेगा क्यू टू एक्स और लेफ्ट। अब यहाँ पे क्यू टू वाले को फिलअप करते हैं, क्यू टू में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जीरो के लिए, तो क्यू टू से जीरो पे क्या जाएगा क्यू फाइव, क्या करेगा एक्स पर जीरो को एक्स करेगा और लेफ्ट में मूव करेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। क्यू थ्री पे आते हैं, क्यू थ्री से क्या है, क्यू थ्री से चाहे जीरो आए तो जीरो को कहाँ जाएगा क्यू थ्री पे ही, जीरो को जीरो बनाएगा और राइट में मूव करेगा। सिमिलरली क्यू थ्री वन और राइट में मूव करेगा। उसके बाद अगर एक्स आता है तो क्यू फोर एक्स लेफ्ट, क्यू फोर एक्स लेफ्ट, क्योंकि इन दोनों ट्रांजेक्शन को लिखा। अब क्यू फोर पर देखेंगे तो सिर्फ वन के लिए ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, वन के लिए क्या लिखना है क्यू फाइव, वन को एक्स से रिप्लेस किया और कहाँ जाएगा लेफ्ट में जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। अब क्यू फाइव, चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे क्यू फाइव भी यहाँ पे ऐड करनी है, क्यू फाइव एंड क्यू एफ, तो क्यू फाइव के लिए क्या करेगा क्यू फाइव एंड क्यू एफ, यहाँ पे लास्ट में क्यू एफ भी है। तो क्यू फाइव के लिए देखें क्या है, क्यू फाइव फाइव से कहाँ जा रहा है, अगर जीरो आ रहा है तो क्यू फाइव पे ही रहेगा, जीरो को जीरो छोड़ेगा और लेफ्ट में मूव करेगा, वन आ रहा है तो क्यू को फाइव को फाइव ही रखेगा, वन को वन छोड़ेगा और लेफ्ट में मूव करेगा, और अगर एक्स आ रहा है तो क्यू नॉट पे जाएगा, एक्स को एक्स छोड़ेगा और राइट मूव करेगा, और यहाँ पे डेल्टा के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है। अब यहाँ पे फाइनल स्टेट में सिर्फ एक ऑपरेशन है एक्स के लिए, तो ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, एक्स के लिए क्या आएगा क्यू एफ से, सॉरी क्यू एफ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी ब्लैंक रहेगा, ये भी ब्लैंक रहेगा, क्योंकि क्यू एफ से हम कहीं आगे नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांजेक्शन टेबल बनानी है। तो यहाँ पर मैंने इसके पहले किसी वीडियो में ट्रांजेक्शन टेबल नहीं बनाई है, तो आप उसको अपने से बना लीजिए, क्योंकि जब ये आपको पता है तो मैंने DFA में भी ट्रांजेक्शन टेबल बनाना बताया है, PDF में भी ट्रांजेक्शन टेबल बनाना बताया है, तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे कि किस तरीके से ये बन रही है, और यहाँ पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो मिस्टेक हो गई थी इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने Q1 दो बार लिख दिया था, तो आप इसकी स्टेट नंबर को चेंज कर लीजिएगा। तो ये था कि WWR को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप मैंने ट्यूरिंग मशीन पे लगभग सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है उसको लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता उसको डिसलाइक कीजिए, साथ ही अपने कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी, ताकि आने वाले वीडियो में मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।